हमारे साथ बैठे और यहाँ पर मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, बहुत से लोग तो मेरे पिताजी के समय के हैं, स्वर्गीय चौधरी दलवीर सिंह जी के, मेरे बहुत प्यारे नौजवान साथियों, मेरी बहनों और मीडिया के हमारे साथीगण साथियों, जब मैं यहाँ खड़ी हूँ मुझे कई बार याद आ जाता है वो समय जब 87-88 में आपके बीच आए। 88 में पहला चुनाव लड़ा, कुछ लोगों को याद है, बोला जी जी, ऐसा समय था, गर्मी पड़ रही थी बहुत ज़्यादा भयंकर, उपचुनाव था। मेरे पिताजी के जाने के बाद मुझे कांग्रेस पार्टी ने, राजीव जी ने आपके दरबार में भेजा था और उस समय आंधी थी हमारे खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों का प्यार मुझे मिला और मैं आती रही आपके बीच में। मेरे पास एक छोटी मारुति होती, जब पहली बार उस छोटी मारुति को मैं खुद चला कर आई, या हम मीटिंगें करते थे, जलसे करते थे, तो लोगों को बड़ी हैरानी भी हुई, लेकिन मुझे आशीर्वाद भी मिला और नतीजा ये निकला कि जब 91 का चुनाव आया तो राजीव जी ने मुझे फिर आपके बीच में भेजा और आपने मुझे रिकॉर्ड मतों से हरियाणा में सबसे ज़्यादा मतों से जिला के भेजा। कैसे भूल सकती हूँ आपका प्यार, आपका आशीर्वाद। पीढ़ी बीत गई है, 3-3 पीढ़ी, फिर भी आप लोगों का प्यार है। इस बार लोकसभा का चुनाव आया, आप लोगों ने खुद मुझे वापस अम्बाला से यहाँ बुलाया और मैं तो आपके आगे फिर हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे फिर से ज्यादा बहुमत से जिताया। और जहाँ इतने ज्यादा बहुमत से जिताया काला वाली के लोगों ने, तो 43,000 वोटों से जिता के भेजा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ है, अब बारी आ गई है हरियाणा की। तब भी हम कहते थे कि शुरुआत है, अब हरियाणा की बारी है। हरियाणा की बारी के लिए देखो, हम सब आपके सामने खड़े हैं, दरबार में खड़े हैं हाथ जोड़ के। एक तो भगवान होता है, भाई गुरु होता है, उसके दरबार में हम हाथ जुड़ा के, सर झुका के खड़े होते हैं। और एक ये जनता का, आप लोगों का दरबार है, यहाँ भी हम सर झुका के, हाथ जोड़ के खड़े हैं आपके बीच। आपके मेरा मार्जिन रहा बहुत बढ़िया, 43,000। लेकिन अभी मैं सुन रही थी, आपका मार्जिन कितना रहेगा? 50,000। कम से कम 50 होना चाहिए भाई, तभी मानेंगे। क्योंकि अब काम करने का वक्त आ गया, अब आज किसी और ठीक है बन जाए। तो साथियों, ये शुरुआत है, अब हमको आगे काम करने के लिए हमारे छोटे भाई को जिताना है और जिताएंगे आप। 10 साल का समय निकल गया, भाजपा की सरकार आई और जिस दिन चली जाएगी कोई याद भी नहीं करेगा। भाई कोई चला जाता तो कहते हैं
कोई नहीं, चला गया कोई, अरे भाई अच्छे काम किए थे, अच्छा नाम था, लेकिन भाजपा का कोई फातिहा ऐसा भाजपा को कोई याद नहीं करेगा आगे आने वाले टाइम में, सारे के सारे अब रज लिए, आगे भाजपा का नाम नहीं। तो साथियों, चाहे हमारा किसान, चाहे हमारा मजदूर है, गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, छोटे दुकानदार हैं, आदमी हैं, महिला है, मेरा ये बेरोजगार युवा है जो आज के दिन नशे से त्रस्त है, हमारा पूरा इलाका, कर्मचारी हैं, हमारे सरपंच साहिबान हैं, किसी को भी बात करो, किसी की भी बात करेंगे उसके दुख की रंग पे हाथ रखा जाता है, सारे के सारे परेशान हैं, त्रस्त, और इंतजार कर रहे हैं 5 तारीख का। तो साथियों, खाली वोट नहीं मांग रहे, अरे भैया आप तंग आ गए और वोट दे दो, नहीं, हमने भी आपके लिए करना है। अभी छोटे भाई ने आपको बातें गिनाई, हमारे भाई सीनियर नेता बाजवा जी ने आपको गारंटियों के बारे में बताया, ये हमारे हरियाणा के AICC की ओर से इंचार्ज भी हैं, पूरा इलेक्शन का कामकाज देख रहे हैं। तो साथियों, गारंटी जो है, ये गारंटी हम पूरी करेंगे, चाहे 2 लाख रोजगार देने की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो। और ये मेरे किसान भाई जिन्होंने इतना लंबा आंदोलन चलाया, जिनको देशद्रोही तक कहा गया, लेकिन आप भी पीछे नहीं हटे, आप पीछे नहीं हटे, हमारा अन्नदाता पीछे नहीं हटा, तो हमारा फर्ज है हम आपके साथ उस समय भी खड़े रहे, और अब राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से आने वाले वक्त में आपको MSP का कानूनी दर्जा भी हम दे। साथियों, बातें बहुत सी, चाहे सामाजिक न्याय की बात, चाहे महिलाओं को न्याय की बात, चाहे युवाओं को न्याय की बात, किसान को न्याय की बात, छोटे दुकानदार को न्याय की बात, हर तरह से समय आएगा, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। जो अपराध बढ़ गया है उस पर काबू पाना, बहुत सी बातें हमने, सारी बातें आपके दरबार में आपके सामने रखी है। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि आप सभी, पहले भी आशीर्वाद दिया और अब भी आशीर्वाद देंगे। ताड़ी तो होगी, ताड़ी तो 2 दिन बाद हो जाती, आदमी तो खड़े करके दिखाओ।